अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग और आज है तारीख है 13 नवंबर 2022, सुबह की 10:16 बज रही है और हम निकल चुके हैं हमारी डेली हसल के लिए। तो आप सोच रहे होंगे अनीस भाई आज इतना लेट क्यों बोले, तो लेट नहीं, अनीस भाई सुबह के 5:30 बजे से उठे हुए हैं और 5:30 बजे के बाद हमें बहुत सारे काम थे जो हमने कंप्लीट किए, टास्क हमें कंप्लीट करने थे, क्योंकि और भी गम है जमाने में डेली हसल के सिवा, क्योंकि डेली हसल एक ऐसी चीज़ है जो कभी मौत तक ख़त्म नहीं होगी। डेली हसल समझ लाज आप बात हमारी समझ रहे हो, डेली हसल आपकी ज़िंदगी की जो डेली हसल है वो मौत तक ख़त्म नहीं होने वाली दोस्तों, ये मौत तक है। बट इसमें थोड़ा सा टाइम खुद के लिए, खुद के घर वालों के लिए। तो अनीस भाई अपनी मेहरारू के साथ गए थे दमन घूमने के लिए, जो सनराइज़ देखने गए थे हम लोग, तो सनराइज़ देखे हमने, फिर उसके बाद वही सब चीज़ें मतलब घूमे फिरे और उसके बाद मार्केट गए, वापी टाउन का जो सब्ज़ी मार्केट है वहाँ से सब्ज़ियाँ खरीदी और नहा धो के वही घोड़े और वही मैदान की तरफ, मतलब हमारा मैदान वही है, यही रोड पे आप देखते हैं अनीस भाई रोज इधर ही चलते, इधर से आते इधर से ही जाते हैं, तो यही कहानी है। और आज हम शूट कर रहे हैं OnePlus 9RT से, जिसमें मूवी मोड मैंने एक्टिव कर रखा है और आप देख सकते हो क्या ही क्लियरिटी है OnePlus 9RT रॉक्स। ये मेरे को तो भाई 9RT का कैमरा और X60 Pro, वीवो का X60 Pro था कि X70 Pro, ओहो वो तो अल्टीमेट लेवल था भाई, बहुत अल्टीमेट लेवल था। तो ये भी अल्टीमेट लेवल के साथ साथ बहुत ही भारी कैमरा है इसका, आप देख सकते हो क्या ही क्लियरिटी है बापू, ऐसा एकदम। तो A4 सेल है 12256 सिर्फ 25,000 रुपये में, एक्चुअली थोड़ा सा पीछे से बैक पैनल उठा हुआ है इसलिए, ठीक है वो तो आता रहता, हमारा ये धंधा पानी है चलता रहता, वो बोलते हैं ना सब गंदा है पर धंधा है, ये तो यही है, धंधा भी है चाहे अच्छा हो या गंदा। देखो कोई भी धंधा गंदा नहीं होता, अच्छा ही है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें इसी के ज़रिए से अल्लाह ताला रोज़ी चलाते, तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अब मुझे बात करनी है जो कल मेरे इंसिडेंट्स में, ज़िंदगी में जो इंसिडेंट्स, जो बातें अकर हुई थी, दो बातें अकर हुई थी, बातें ऐसी थी, एक तो ये फॉर दिस लारी एंड ऑल, लारी से वो बोलते ना कोई भी धंधा छोटा नहीं होता ऐसा। तो आदमी देखो अगर कोई जॉब नहीं है ना और रोजमर्रा की ज़िंदगी नहीं चल रही, तो लारी लेके निकल लो भैया, फ्रूट्स बेच सकते हैं, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। हाँ मेहनत है, थोड़ी शर्म भी आएगी, पर शर्म क्या, एक दो दिन की शर्म, बाकी क्या, आदमी यार मेहनत करके कमा रहा बहुत बड़ी बात है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। हाँ स्वाद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे तो देखा तो सब सहाबा अल्लाह के नबी के मुसाफा कर रहे, बट स्वाद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी को मुसाफा करने के लिए नहीं उठे, जिसका मफहूम है, मफहूम मैं बता रहा हूँ, इंसिडेंट ऐसा था कि नहीं पर वो थोड़ा आस पास में ही समझ लो कि साद बिन माज ने हाथ आगे नहीं किया, अल्लाह के नबी से मुसाफा नहीं किया, मतलब हाथ नहीं मिला है। तो साद बिन माज से अल्लाह के नबी ने पूछा, ए साद तू क्यों नहीं हम मुसाफा करता मुझसे, तो बोलते कि अल्लाह के नबी मैं मेरे बाग में खुद से काम करता हूँ, मेरे हाथ सख्त है और आपके हाथ तो अल्लाह के नबी के हाथ कितने मुलायम हो गए और कितने मुबारक हो गए। हाँ तो उस वजह से उन अल्लाह के नबी को तकलीफ़ ना हो वो सख्त हाथों की वजह से, इसलिए साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुबारक हाथ को अल्लाह के नबी के मुबारक हाथ से मुसाफा करना मुनासिब ना समझा, मतलब उनको गवारा नहीं हुआ कि मैं उनको अल्लाह के नबी से मुसाफा करूं। हाँ तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि साद हाँ तुझे खुशखबरी हो, है ना, कि जो शख्स अपने हाथों से कमाता है और अपने आप को थकाता है मेहनत में, अल्लाह जल्ले शानु उसके उस दिन के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे भाई, मेरे भाइयों दोस्तों, ये बहुत ही
अलग बात है और अल्लाह के नबी की बशारत है, तो बस भूल जाओ, फिर समझ लो कि कितनी अच्छी और कितनी प्यारी बशारत मेरे नबी की है। और मेरे नबी ने जो कह दी वो बात हक है, फाइनल है, एंड है भैया, समझ रहे। तो कोई भी धंधा छोटा नहीं होता मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता ऐसा। तो आप समझो बात को मेरी, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, चाहे वो लारी वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो दुकान वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, धंधा धंधा है भाई, तुम मेहनत करके कमा रहे ना, झूठ नहीं बोल रहे ना, किसी को धोखा नहीं दे रहे ना, तो लारी पे बेच के भी अल्लाह के सामने, अरे ये अपने मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के अब्बा मंजूर नौमानी साहब है ना, रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक वाक्य है। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब अपने बयान में फरमा रहे थे कि मैंने मेरे वालिद साहब को देखा कि है ना, जब वो ट्रेन से जाते थे मदरसे की तरफ पढ़ाने के लिए, तो ट्रेन से बैठते तो ट्रेन में मजदूर लोग भी होते थे, हाँ, तो उनके वालिद साहब हजरत मंजूर साहब नौमानी साहब उन मजदूरों से कहते थे कि तुम मेरे लिए दुआए मगफिरत करो, हाँ, दुआए मगफिरत तुम मेरे लिए करो, तुम मेहनत से कमाते हो, अल्लाह ताला तुमको माफ़ करता है और तुम्हारी दुआ अल्लाह कबूल करेगा। हाँ, वक्त का वली किससे दुआ करवा रहा है कि भाई मुसलमान काम करने वाले से, है ना, मुसलमान है, हलाल पाक रोजी कमा रहा है, तो अल्लाह जल्ले शानु बोले कि आपके गुनाहों को माफ़ रखता है और आपकी दुआएं कबूल करता है। तो हजरत दुआ करवाते थे, हाँ, मेहनत करने वालों मुबारक हो, आप हमारे लिए, इस गरीब अनीस के लिए भी दुआ करो जो मुफलिस है, जिसके पास कुछ नहीं है, ओहो मुफलिसी की जिंदगी में है, मतलब मुफलिसी इन द सेंस हमारे पास कोई नेकी नहीं, कल कयामत के दिन हम क्या मुंह दिखाएंगे, ऐसा सीन शॉट है अपना भी। तो भाइयों, लारी चलाने वाले को मामूली ना समझो, अल्लाह के वहाँ पर उसके दर्जात है, मेहनत करके कमाता है भाई, झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, धोखा नहीं देता, सच बोल के मुसलमान बंदा काम करता है। तो अल्लाह जल्ले शानु, अल्लाह के नबी ने क्या बशारत दी कि जो अपने आप को क्या है कि सुबह शाम बोले हलाल पाक रोजी कमाने में अपने आप को थकाता हराता है, तो अल्लाह ताला उसके उस दिन के गुनाह माफ कर देते हैं। तो जो पाक साफ गुनाहों से पाक साफ आदमी रहता है, तो अल्लाह जल्ले शानु गुना, हाँ, लोगों की सुनते हैं, हलाल रोजी कमा कर दुआ मांगो तो सही, अरे देखो तो सही भैया, अल्लाह माफ करने वाले, अल्लाह बड़े कुदरत वाले, समझ लास, अल्लाह जल्ले शानु है मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, अल्लाह के यहाँ पर मेहनत करने वालों से अल्लाह जल्ले शानु बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अल्लाह के यहाँ पर मेहनत, हलाल पाक रोजी कमाना, झूठ ना बोलना, धोखा ना देना और हलाल रोजी कमाना अल्लाह के यहाँ पर बड़ी ही बड़ी ही बड़ी ही कीमत रखता है, समझ रहे। तो ये बात है, यही बात मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। और एक और बात थी, वो याद नहीं आ रही, मैं भूल गया, शायद से दो बातें मेरी जहन में थी कल, जो दो वाक्यात मेरे को लगे कि नहीं भाई आदमी गलत है। तो मतलब लारी पे लेके समझ लो कि अगर खुदा ना ख्वास्ता, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, देखो अप्स एंड डाउन्स आर द ये जिंदगी है, अप्स एंड डाउन्स आती है, कभी भाई आदमी ओढ़ी में भी घूमता है, कभी आदमी को लारी पे भी चलना पड़ता है, समझ लाज। तो क्या शर्म करनी, शर्म कुछ नहीं है भाई, तू तो है ही क्या, आदमी की औकात क्या है भाई, का औकात है भैया, बताइए हमें, बताइए हम बताते आदमी की का औकात है, कई औकात न थी, औकात कई न थी, डिकरा हमारा डिकरा, हाँ हम जी गया था मैं, कस्सू न थी, कस्सू औकात न थी भाई, केम न थी औकात अनीस भाई, भाई क्यों नहीं औकात, तू तो मनी के कतरे से बना है, अब तेरी क्या औकात, हाँ भैया ये जिंदगी है, इसको प्रैक्टिकल लो, प्रैक्टिकल, तुम सिर्फ हवाई माँ बाप के उस पे पैसे पे उड़ो मत, ऐसा लिख लो बार और करो स्ट्रगल और हसल करो तो पता लगूगा,
कि क्या सीन शॉट चलता है मार्केट में। हाँ, ये मार्केट बहुत खतरनाक है भैया, दुनिया का मार्केट है ना, बहुत खतरनाक है। हाँ, यहाँ सब कुछ चलता है। तो क्या है कि कभी ऑडी से चलता है आदमी, कभी प्लेजर से भी चलता है, समझे। तो जिंदगी अप्स एंड डाउन्स का नाम है। तो कभी लारी पे भी आदमी बेच सकता है। हाँ, कभी अनीस भाई बोले दुकान पे बेच रहे अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाह ना करे कभी हो सकता है कि अनीस भाई को लारी पे भी बेचना पड़ जाए मोबाइल, तो अनीस भाई क्या कर लेंगे। क्योंकि हमें तरगीब मिली हमारे नबी से कि भाई हलाल पाक रोजी कमाओ, मेहनत करो, मांगो मत, हाथ किसी के सामने मत फैलाओ। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। हाँ, समझ रहे। अस्सलामुअलैकुम।